नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। दिनांक 11/12/2022 ग्राम पंचायत घाट पलासी सोडा में किसान पंचायत जिसके अध्यक्षता कृपाल दागी ने की, मुख्य वक्ता प्रहलाद दास बैरागी, प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय किसान सभा मध्य प्रदेश रिसाई पार्वती सिंचाई परियोजना के व्यक्त भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसानों को पूर्व में राजस्व विभाग द्वारा जो नोटिस दिए गए थे 1.5 एकड़ का, दूसरी बार जो नोटिस दिए गए वह 2 डेसीमिल का, 5 डेसीमिल का नोटिस मिला। साथ में जो भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिंचित है उस भूमि को चिंतित बताकर मुआवजा कम दे रही है। श्री बैरागी ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि जब रजिस्ट्री सिंचित से की जाती है तो मुआवजे के नाम पर यह भ्रष्टाचार है। साथ ही यही विडम्बना रामगंज से भोपाल रेल लाइन में अधिकांश किसानों के मुआवजे के रुपए नहीं डाले गए हैं। वहीं बिछिया गांव की भूमि नेशनल हाईवे से लगी होने के बाद भी मुआवजा प्रधानमंत्री सड़क के हिसाब से भू अर्जन कर रहे ग्रामीण लोगों ने ज्ञापन और आवेदन पत्र दिए, फिर भी अभी तक रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं किया गया। श्री बैरागी ने कहा कि समय रहते हुए उपरोक्त समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो आने वाले समय में अखिल भारतीय किसान सभा क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जी बैरागी जी, आज ये मीटिंग किस लिए हुई है और क्या मुद्दा है किसानों का? आज जो मीटिंग हुई है ये पार्वती परियोजना में जो डूब क्षेत्र में किसानों की जमीन आई है, इसमें जो भू अर्जन हुआ था उस टाइम किसानों को जो नोटिस दिया गया था उसमें भूमि बड़ी हुई थी। वर्तमान में राजस्व और कृषि विभाग और जल संसाधन विभाग जो मुआवजा राशि किसानों को डाल रहे हैं, जिस किसान की 1.5 एकड़ जमीन उस टाइम अधिग्रहण हुई थी, उस जमीन मालिक को ये कहीं 2 डेसीमल कहीं 10 डेसीमल के हिसाब से मुआवजा डाल रहे हैं और अधिकांश किसानों को इससे वंचित किया गया है। उसी संदर्भ में हमने आज बंजाराओं की बस्ती घाट पलासी के सोंडा मोहल्ले में हमने रखी है। इस सोंडा मोहल्ले में पूरे विमुक्त समुदाय के लोग, बंजारा समुदाय रहते हैं। इनकी जमीनें जो अधिग्रहण हुई है, हम शासन से मांग करते हैं कि इन विमुक्त भूमक्कड़ अर्ध भूमक्कड़ समुदाय के लोगों को और बाकी किसानों को शासन 2013 भूमि अधिग्रहण के तहत मुआवजा राशि वितरण करे और डेम के साथ साथ रामगंज मंडी टू भोपाल रेलवे लाइन है उसमें भी भूमि अधिग्रहण के मामले में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का पालन मध्य प्रदेश शासन और अधिग्रहण भूमि से संबंधित परियोजना के अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे हैं, जबकि अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को साफ निर्देशित किया है कि भूमि अधिग्रहण 2013 का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। आने वाले समय में अगर शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है तो हम भोपाल में एक बड़ा आंदोलन करने की रूपरेखा बना रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।